हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीके सीई टिकिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल दो कैटेगरी के लोगों के लिए, एक तो वो जो अभी इस समय कॉलेज जा रहे हैं और दूसरे वो जो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी भी टाइम टेबल को रिलीजियसली अगर आप फॉलो करते हो तो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलती है, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टाइम टेबल जिसने मुझे तो हेल्प की ही है कैट के एग्जाम में। हो सकता है उस टाइम टेबल को अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा मैन्युपुलेट करके अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको भी श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी। हाँ सर, इसका मतलब है Join CE Ticking by calling any of the numbers given below. If you have any doubt regarding any of the courses, then also you can call the given numbers. तो ये कोर्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो ये सोचते हैं कि सर अभी तो हम कॉलेज में हैं, अभी बाद में प्रिपरेशन कर लेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, अभी तो हमें इंजॉय करने दो लाइफ। तो उन लोगों पे इस टाइम पे दो चॉइसेस हैं, क्या या तो वो सोते रहें और अपनी ड्रीम्स को इंजॉय करते रहें, या फिर वो कुछ करने की ठान के अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें अभी से, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सके अपने बी स्कूल में या फिर किसी और एग्जाम में। तो गाइस, जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेजमेंट आपके एग्जाम्स में भी अप्लाई होता है। मान लो आपका कोई 3 घंटे का एग्जाम है तो आपको अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करना है कि जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है उसमें आप मैक्सिमम टाइम देके मैक्सिमम आउटपुट खींच सकें, और जो सेक्शन आपका थोड़ा कमजोर है उसमें कम से कम आप मिनिमम कट ऑफ तो ले ही आए। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है अगली स्लाइड में, सिर्फ स्पेसिफिकली दो टाइप की कैटेगरी के लिए है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एक वो जो सिर्फ डेडिकेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मॉनिटर करना है अपनी स्लीप साइकिल पे, मतलब आपको अपनी नींद को 8 घंटे से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना, और इसके बाद 7 से 8 आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर नहा के फ्रेश हो सकते हैं। फिर आप अपने सबसे वीकेस्ट सेक्शन से अपना दिन स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 8:30 से 11 बजे तक आप सिर्फ उसी को पैशनेटली डेडिकेट करेंगे, उस सेक्शन को टाइम। अब हो सकता है कि आपको ये 2.5 घंटे पढ़ते पढ़ते हल्का सा थोड़ा बोर फील होने लगे, जब आपको लगे कि आपने एम्पल ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आप 1/2 घंटे का ब्रेक इस टाइम में ले सकते हैं 8:30 to 11 AM के बीच में। उसके बाद एक डेडिकेटेड फिक्स्ड ब्रेक रखा है मैंने 11 से 11:30 AM के बीच में। इसमें आप अपना मोबाइल चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं या फिर कुछ हल्की बहुत भूख लगी है तो वो खा सकते हैं स्नैक्स। उसके बाद आप बैठेंगे 11:30 AM से 2 PM तक डायरेक्ट एक सीटिंग में। इसमें आप करेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता हो, हो सकता है वो क्वांट हो सकता है वो VA हो या फिर हो सकता है वो DILR हो, इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव अपॉन इंडिविजुअल्स चॉइस। उसके बाद आप 2 से 3:30 बजे तक अपना लंच करेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सोना है 1/2 घंटे, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेश उठेंगे, और ये जो टाइम जिसे मैंने हाईलाइट किया है ये प्राइम टाइम है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स इसी टाइम में होते हैं ऐसा देखा गया है, मतलब 2 से 6 के बीच में, 3 से 6 के बीच में, इस टाइप से। तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने पिछले दिन पढ़ा हो उसका एप्लीकेशन पार्ट कर सकते हैं। अगर आपका सेक्शनल देने का मन है तो आप सेक्शनल दे सकते हैं, अगर आपका मॉक देने का मन है आप मॉक दे सकते हैं, मतलब अगर आपकी इस टाइम कोचिंग क्लास चलती है तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसके बाद अगेन आपका एक ब्रेक है 6 से 6:30 PM के बीच में, उसमें आप जो आपका मन करे, आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अगली साइकिल चलेगी 7 से 9:30 PM के बीच में। यहाँ पे 6 से 6:30 आपका हो गया नॉर्मल ब्रेक, उसके बाद 6:30 से 7 भी आपको जो करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपकी साइकिल चलेगी 7 से 9:30 PM के बीच में। इसमें आपको वो सब्जेक्ट करना है जो आपने आज पूरे दिन नहीं पढ़ा, मतलब आपने वीकेस्ट सब्जेक्ट पहले उठाया, फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी उठा चुके हो, तो अब जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो इस टाइम करना है। उसके बाद आपको 9:30 से 10 बजे तक अपने डेली टास्क करने हैं, हो सकता है वो डिनर करना हो, अगले दिन की कुछ प्लानिंग करना हो, कुछ भी हो सकता है वो। और फिर 10 से 11 आपको एक बढ़िया सी नॉवल पढ़नी है इंग्लिश में, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो सके, उसके साथ साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो सके, या फिर कोई डेली के GK आर्टिकल्स पढ़ने हैं जिससे कि आपकी थोड़ी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। ये जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी या तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट्स की, या फिर उन लोगों के लिए जो सिर्फ डेडिकेशन से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। अब जिन लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं या फिर जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए मैं एक और ऐसा टाइम टेबल लेके आऊंगा जिससे कि उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो सके। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है
कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और अगर आपके एग्जाम्स काफी पास आ चुके हैं तो आपको अपना मेजॉरिटी टाइम अपने पहले कॉलेज एग्जाम्स में देना है, और अगर एग्जाम्स दूर हैं तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करके आराम से पैचअप कर सकते हैं। अगर मान लो आपके कॉलेज एग्जाम्स अगले हफ्ते हैं तो आपको पूरा टाइम अपने कॉलेज एग्जाम्स पे देना है, फिर जो बैकलॉग है उसे हम उसके अगले हफ्ते कवर कर लेंगे। और इसी के साथ साथ वीकेंड में 1 या 2 घंटे निकाल के अपनी कॉलेज का जो रूटीन स्टडी है वो भी करनी है। और मैं बताता हूँ कि VRC के लिए क्या क्या बढ़िया सोर्स हैं जिससे कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं अपने टाइम पे VRC के लिए रिसोर्सेज फॉलो करता था वो थे टाइम्स ऑफ इंडिया, एयॉन्स करके एक साइट है, वहाँ से मैं ऐसे पढ़ता था। एयॉन्स में थोड़ा आपको फिलोसफिकल कंटेंट मिलेगा। उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, गार्जियंस पढ़ता था, मतलब ये मेरे 4-5 सोर्सेज फिक्स थे जिससे कि मैं अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को अच्छा खासा डेवलप कर पाया। और इसी के साथ साथ मेरी GK भी एनहेंस हुई, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में GK भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है। अगर इसी के साथ साथ अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पहुंचाना है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर सम बेटर नॉवल विच इज टोटली बेस्ड ऑन नॉन फिक्शन। अब ये नॉवल्स की लिस्ट हो सकता है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दूं। आई होप कि ये टाइम टेबल आपको हेल्प कर सके और आप इसे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपने शेड्यूल में बिठा सको। अगर इस टाइम टेबल से 10 लोगों का भी भला हो गया ना तो आई थिंक माई जॉब इज डन।